15 से 18 आयु वर्ग के किशोर किशोरियों के वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जयपुर के जेके लॉन अस्पताल के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर रोजाना 300 से 400 के बीच बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वैक्सीनेशन केंद्र पर UNDP के राष्ट्रीय कार्यक्रम अधिकारी गिरीश दवे ने सेंटर पर वैक्सीनेशन स्थिति का जायजा लिया और स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तीन तारीख से लेके और 7 तारीख तक हमने 1035 लोगों को लगा दिया। आज करीब 30 लोगों को लग चुका है। अभी मौसम की वजह से थोड़ा धीरे धीरे आ रहे हैं लोग। लगता है कि अभी मौसम खुलेगा तो लोग ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करके और इस बारिश के मौसम में कोरोना से बचाव करना हमारी एक प्राथमिकता बन रही है और हम इसको जोर शोर से निभाएंगे। चाहे बरसात आए चाहे ओले गिरे, हमारी टीम पूरी डटी हुई है। आज मैं जेकुलोन में आया हूँ और आज काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और वैक्सीनेशन होने के बाद ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं था, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं अपने दोस्तों से और सभी रिश्तेदारों से कहना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाएं। मैं काफ़ी दिन से इस बच्चे को वैक्सीन का इंतज़ार कर रहा था और आज मेरी वैक्सीन लग गई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं काफ़ी स्वस्थ हूँ। मैं अपने सारे मित्रों से यही कहूँगा कि वह भी वैक्सीनेशन कराएं और इस कोरोना की महामारी से निजात पाएँ। मुझे वैक्सीन लगवा के बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब अब एक सिक्योरिटी फील होती है। और मैं सब अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करूंगा कि आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, इट्स सेफ। नॉर्मल कुछ नहीं है, मतलब जो लोग डर रहे हैं उस हिसाब से कुछ प्रॉब्लम नहीं है।